हजूरी में आए हैं सबको हैप्पी ईस्टर डे। आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बधाई हो, मुबारकबाद हो, हालेलुया। तो आज क्या है, एक बहुत ही खुशी का दिन है, इतना खुशी का दिन है, इतना आनंद दिन है जो क्रिसमस मनाते हैं ना। क्रिसमस का किसको पता है? क्रिसमस का किसको पता है? क्रिसमस क्रिसमस को क्या हुआ था? यीशु मसीह क्या हुआ था? पैदा हुआ था क्रिसमस। उससे भी आनंद वाला, खुशी वाला दिन कौन सा है? आज का है। हालेलुया। वो तो पैदा हुआ, उस टाइम लोगों को पता नहीं था, लोगों ने इतना खुशी नहीं मनाया, लोगों को पता नहीं था, है ना। तो जब यीशु मसीह दफनाया गया, मुर्दों से जीवित हो गया, वो फिर सारी दुनिया को पता चल गया। हालेलुया। तो जब सारी दुनिया को पता चल गया, तो सबसे आनंद वाला दिन, खुशी वाला दिन कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? क्या नाम है आज के दिन का? क्या है? ईस्टर डे। एक्स्ट्रा ईस्टर संडे, ईस्टर डे। हालेलुया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज का दिन भी देखो, वो यीशु के प्रेमी, यीशु के प्रेम करने वाले लोग आज भी पता नहीं कहां कहां पर है। तो कई बार मसीह में आके लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, है ना, मैं तो जाति में जाता हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो पार्किंग पकड़ता हूँ, लेकिन करते हैं तो फिर आज कहां पर है? वचन में क्या लिखा हुआ है? मुंह से बोलने वाले है, दिल से मोहब्बत करने वाले है ना। तो मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती है ना। हम तो चर्च जाते हैं, हम तो मसीह को मानते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, है ना, तो करते हैं, तो फिर प्रभु को जब प्रेम दिखाने का समय था, फिर कब दिखाएंगे हम? हालेलुया। अगर आप लोग कभी किसी को प्यार करते हैं, एक इंसान या फिर इंसान को प्रेम करता है, तो जब प्रेम में परीक्षा आती है, तो फिर क्या करते हैं? प्रेम में भी जमा के देते हैं ना, इंसान इंसान को जमा के देता है ना, मैं इसको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इसको बहुत प्रेम करती हूँ, मैं इसको देखता हूँ, इसको इस्तेमाल करके देता हूँ कैसा है। तो जब प्रेम करने वाला आप लोगों को धोखा दे दे, तो फिर कैसा लगेगा है? क्या लगेगा? तो यीशु को प्रेम करने वाले है ना, यीशु के दुख के समय कोई नहीं आया, तो यीशु को क्या लगेगा? यीशु का जब यीशु के ऊपर मुसीबत आई, दुख आया, तो आए नहीं, तो यीशु को क्या लगेगा? तो आज खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, आज भी लोग नहीं आए, तो यीशु को क्या लगेगा? तो जब वो ही एक दिन आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए, बीमारी में होंगे, टेंशन में होंगे, वो हमारे पास आएंगे प्रार्थना करने के लिए, मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि प्रभु सुनेगा। तो जब प्रभु को जरूरत थी, उस टाइम पर प्रभु के पीछे आए नहीं, तो जब आप लोगों को जरूरत है, तो प्रभु को जबान से पुकारते हैं, तो प्रभु सुनेगा? प्रभु बोलेगा, पुकारते रहो पुकारते रहो, मैं अपने कान बंद कर लूंगा, अपना मुख आप लोगों से मोड़ लूंगा, आप लोगों का मुख मोड़ कर मैं इधर कर लूंगा, ऐसे पुकारते जो मैं आपको धोखा दे रहे हैं। यीशु को धोखा नहीं दे सकते, यीशु तो सारी दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया को चलाने वाला है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, सुख के घर से जाने से अच्छा है हम दुख वाले घर में जाएं। तो जब दुख का दिन था, तो सब लोग मुझे लगता है अपने घर में बजे बजे से सोए होंगे, है ना। दुख का दिन कब था? फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, गया गुड फ्राइडे था, उस टाइम मजे मजे से अपने घर पर सोए हुए गए, उधर यीशु मसीह को मार पड़ रही है, हम घर पर सोए हुए हैं। तो क्या यीशु से हम आस रखेंगे? क्या हम यीशु से मांगेंगे? क्या यीशु से हमें मिलेगा? मिलेगा कुछ? हम तो अपने आप को धोखा दे रहे ना।
जब कभी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो प्रभु सुनेगा मेरा, कैसे सुनेगा वो? ताली एक हाथ से बजती है या दो हाथों से है ना? तो यीशु भी आप लोगों के बिना कुछ नहीं है, आप लोग भी यीशु के बिना कुछ नहीं है। अगर आप लोग हैं तो यीशु है, अगर यीशु है तो आप लोग हैं, यीशु नहीं है तो आप लोग हैं, तो आप लोग नहीं है तो यीशु है। तो इसी तरह दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए तो बात तब बनती है। अगर हम किसी को प्रेम करते करते एक इंसान दूसरे को लूटने की कोशिश करता है तो इंसान को पता नहीं चलेगा कि मेरे को ये मतबल का प्रेम करता है, मेरे को लूटने के लिए मेरे को प्रेम करता है। पता चलता कि नहीं चलता, चल जाता कि नहीं, है ना? मैं किसी को प्रेम करता हूँ है ना, तो मैं उसको लूट रहा हूँ, आगे वाले को पता चलेगा ना, ये तो मेरे से मतबल का प्रेम करता है, खाली मेरे पैसे को प्रेम करता है, मेरी गाड़ी बंगले को प्रेम करता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता चलता कि नहीं चलता? यीशु को पता चलता कि नहीं चलता? यीशु को आप प्रेम करते हैं, यीशु को पता चलता है कि आप लोग कैसा प्रेम करते हैं। यीशु को लूटने वाला प्रेम करते हैं, ठगने वाला प्रेम करते हैं ना? यीशु को लूटने वाला, ठगने वाला, मतलब का प्रेम करते हैं। कैसा? जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम होती है ना, यीशु यीशु यीशु, जब प्रॉब्लम निकल जाती है तो यीशु कौन? मैं कौन? धोखा हम अपने आप को ही दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए क्या है, यीशु से ज्यादा हम ज्यादा अहमियत किसको देते हैं? संसार को, अपने कामों को, अपनी फैमिली को, बिजनेस को। अगर हमारे घर में कोई बंदा मर जाता है, जाहे मैं विदेश में हूँ, आप लोग विदेश में चले गए, ठीक है, इंग्लैंड में चले गए, कनेडा में चले गए, सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, कहीं पर भी चले गए, अगर आपके घर में, मेरे घर में, मैं भी विदेश में हूँ, कोई मर जाता है तो फिर आप लोग मैं क्या करेंगे है? अगर आपके घर में कोई मर गया, कोई भाई मर गया, कोई बहन मर गई, कोई पिता मर गया, कोई माता मर गई, कोई बच्चे मर गए, जब मेरे घर में कोई भी मर गया, आप लोग भी विदेश में है, मैं भी विदेश में हूँ, तो पता चला वे आपका कोई ये घर में फैमिली मेंबर मर गया है, तो आप लोग क्या करेंगे है? आएंगे? कैसे आएंगे है ना? फिर छुट्टी भी मिल जाएगी, पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा है ना, टिकट का भी इंतजाम हो जाएगा, वीजा भी मिल जाएगा। एक इंसान जब इंसान के लिए मरता है तो हम कहीं पर भी हो, चाहे मैं पंजाब में हूँ, चाहे आप लोग नेपाल में हैं, चाहे मैं सिंगापुर में हूँ, चाहे मैं दुबई में हूँ, मेरे को पता चलेगा मेरे घर में कोई मर गया ना, बाहर से फटक से मेरे को पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, टिकट का भी हो जाएगा, छुट्टी भी मिल जाएगी, फटक से एक दो दिन में अपने घर पर आ जाऊंगा। आ जाएंगे ना घर पर अपने? क्यों? तो जिसको हम प्रेम करते थे वो मर गया ना, इसलिए हम आ गए ना, विदेश से आ गए। अगर उससे प्रेम नहीं होता तो हम विदेश से आते नहीं, आते ना, पैसा खर्चा करते नहीं, करते क्यों? पैसा खर्चा किया, विदेश से जाके छुट्टी भी ले लिया, टिकट भी मिल गया, वीजा भी मिल गया, सारा इंतजाम हो गया, हम घर पर संसार को प्रेम करते थे, यीशु को प्रेम करते हम करते हैं। जब यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया उस टाइम हम लोग कहां पर थे? यीशु हमारा कुछ नहीं जानता, यीशु मसीह हमारा कुछ नहीं जानता, हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, हमारा पिता नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, हमारा भाई नहीं है, यीशु मसीह हमारा कुछ नहीं जानता, लाता कि नहीं लाता? तो फिर उस टाइम हम लोग कहां पर थे? उसने छुट्टी नहीं मिली, पैसा नहीं था साथ में, विदेश में थे आप लोग बैठे, कहां पर थे तो आप लोग सो रहे थे, पैसा कमा रहे थे, मोबाइल के ऊपर टिकटॉक खेल रहे थे, यीशु के मौत के दिन भी। तो फिर यीशु को पता चलेगा या नहीं चलेगा? उसको पता है ना कि आप लोग उसको कैसा प्रेम करते हैं, तो धोखा किसको दिया? किसको दिया? यीशु को दिया धोखा? किसको दिया? अपने आप धोखा मत दो,
दुख हम किसी को नहीं दे सकते, धोखा देते हैं तो हम अपने आप को खुद धोखा देते हैं। प्यार करना है तो सच्चे मन से प्रेम करो, नहीं तो मत करो। प्रेम करना है तो सच्चे दिल से करो, नहीं तो मत करो। जहां प्रेम है वहां यीशु मसीह है, जहां धोखा है वहां कौन है? शैतान है। अगर आप लोग यीशु को धोखा देते हैं तो आपके घर में कौन है? शैतान। आपके अंदर कौन है? शैतान। शैतान है। धोखा देना किसका काम है? शैतान। यीशु मसीह धोखा देता है? यीशु मसीह धोखा नहीं देता। हालेलुया, यीशु मसीह सच्चा है। वो आपके लिए, आप लोग जान दे सकते किसी के लिए दे सकते कभी? इसका मतलब आप लोग किसी को प्यार नहीं करते ना, इसलिए तो आप लोग किसी के लिए जान नहीं दे सकते। मतलब का प्रेम है। यीशु मसीह ने अपना जान दिया, सच्चे मन से दिया, दिल से दिया। वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन वो बचा लेता तो आप लोग नहीं बचते, मैं नहीं बचता। उसकी जान देने से ही आज आप लोग जीवित है और आज प्रभु की हजूरी में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जो जीवित है बोलिए हालेलुया। जीवित है सब जो मर चुके हैं। कौन कौन जीवित है? जीवित है तो सुनिए प्रभु का वचन क्या बोलता है। जो प्रभु का वचन है किससे बात करता है? जीवितों से बात करता है। मरे लोग सुनते हैं? आप लोग मरे नहीं है, जीवित है ना। अगर आप मरे होते तो प्रभु के वचन को सुनते नहीं? सुनते। हम जीवित है तो इसलिए हम जीवित वचन सुनेंगे। वचन क्या है हम देते हैं। कौन आएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए? आ जाइए मत्ती सुसमाचार, एक जन आ जाइए पढ़ने के लिए। मत्ती सुसमाचार उसका 28:28। मिल गया सबको? पढ़िए। यीशु का पुनरुत्थान। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन को पढ़ते ही मरियम मंदलिनी और दूसरी मरियम कब्र। हालेलुया, किसको देखने गई? किसको? कब्र को क्यों देखने गई? वहां कौन था? उसका कोई रिश्तेदार था, फैमिली मेंबर था? कब्र में किसको रखा था? यीशु को रखा था। किसको देखने आई? आज हम किसको देखने आए हैं? यीशु को देखने आए हैं। पांव फूटते ही अभी आप लोग गाना गा रहे थे ना पहले, आज हम बताने आए हैं यीशु जिंदा, यीशु जिंदा, यीशु जिंदा। तो किस किस को बताया आज आप लोगों ने? यीशु जिंदा है, बताइए। बताया किसी को है? किसी को नहीं बताया, बातें ही है मेरे मुंह में। किसको धोखा दे रहे हैं फिर? गानों में है जिंदा, खाली फोन में ही जिंदा है, हमारे गानों में जिंदा है। तो क्यों नहीं बताया आज आप लोगों ने? जब किसी के घर में शादी होती है तो बड़ा फोन करते ना, इतनी तीखी शादी है, आप लोग फैमिली को लेके आ जाना। तो आज कितने लोगों को फोन किया, यीशु मसीह हमारा जिंदा है, आप लोग अपने रिश्तेदारों को लेके चर्च में आ जाना। कितने लोगों को बोला? बोला ही नहीं है। तो किसको धोखा दे रहे हैं? अगर घर में कोई पार्टी होती है ना, तो सब आजू बाजू के लोगों को हम फोन करके बोलते हैं हमारे घर में पार्टी है, खाने के लिए आप भी आ जाना, अपने फैमिली मेंबरों को भी लेकर आ जाना। तो आज किस किस को बोला? यीशु के घर में पार्टी है ना, यीशु के भवन में भी पार्टी है ना। क्यों पार्टी है? यीशु जिंदा हुआ है, इसलिए आज हम पार्टी कर रहे हैं। सबके लिए खाना है, मिठाई है, जूस है सबके लिए। क्यों खुशी है हमें? आप लोगों का तो पता नहीं, मेरे को तो बहुत खुशी है। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हुआ। तो मैं तो शोर में जाता हूँ, दुनिया में बचाता हूँ, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है।
हमें कुछ ही था, अनाथ था, इसलिए कोई आए या ना आए मेरी तरफ से सबके लिए खाना है, मठियाई है, जूस है। क्यों था? खुशी था। आप लोग खुशी था तो आज खुशी के लिए क्या किया फिर यीशु के लिए? यही बहने का हरवाने लेकर आई है मुझे नाता जी। ये बड़े बड़े फ्रूट लेके आई है। तो बाकी लोगों को खुशी नहीं था, अनाम नहीं था, ऐसे ही आ गए खाली खुशी मनाने के लिए, ऐसे ही नाता करने के लिए आ गए। तो किसको धोखा दे रहे हैं? अगर यीशु ने कभी आप लोगों को धोखा दे दिया तो फिर क्या होगा? है तो फिर गानों में बोलते रहना, आज हम बताने आए हैं यीशु, यीशु। बस बातों में रह जाएगा, गानों में रह जाएगा। तो यीशु जिंदा होना कहां चाहिए? अंदर होना चाहिए। हालेलुया। यीशु कहां जिंदा होना चाहिए? कहा जीवित हो गया है। किस किस का विश्वास है? तो बोलते जैसे कोई मरा हुआ स्थान बोलता ना, ऐसे बोलते हैं। है? तो जब आप लोग किसी से लड़ाई करते कैसे करते फिर? ऐसे कैसे करते हैं फिर? कैसे करते हैं? है ना? फिर तो सारा जोर राजा बाहर निकल, है ना? फिर ऐसा होता ना? तो आज यीशु कहाँ पर है? कहाँ है? दिल में। कहाँ यीशु? दिल में। दिल में। जहाँ पर है? आज हम किसको बताने आए हैं? सबको। आजू 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 के लोगों को, बस चर्च के लोग ही, चर्च के लोगों को बताने आए हैं ना, बस। दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं है ना कि यीशु जीता हुआ है ना। आप लोगों को तो पता ही था ना, पता था कि नहीं था कि यीशु जीता हो गया है? हैं? किस किस को पता था? आप लोगों को नहीं पता था? बाप रे बाप, गुड फ्राइडे भी नहीं पता हमें अभी तो आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो बोल, सुबह सुबह यीशु को देखने के लिए कौन गया? दो बहनें। कहाँ गई? कब्र में। वो पुराने जमाने में कब्रें भी देखो कितनी दूर दूर होंगी, है ना? आज तो पास पास में कब्रें रहती है ना। दूर जमाने में ना तो रोड थे ना सड़कें थी, है ना? रास्ते भी टूटे फूटे होंगे, है ना? कितनी दूर दूर गाँव था, है ना? जैसे अभी उलवा से लेकर नावा कितनी दूर है गाँव, है ना? इधर उलवा से लेकर नेहरू कितनी दूर है, बेलापुर कितनी दूर है, कितनी दूर दूर गाँव है ना। उस टाइम भी ऐसा होगा ना, उस टाइम गाड़ियां तो नहीं थे, बाइक भी नहीं थे, साइकिल भी नहीं थे, लोग कैसे जाते थे? पैदल। ये बहने भी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम कहाँ गई? आप लोग सुबह सुबह गए कब्रस्तान में? है गए कभी? क्यों? वो बहनों को डर नहीं लगा होगा? अभी तो कब्रस्तान हर एक गांव में होता है, हर एक सोसाइटी में कब्रस्तानों की बनाया होता है ना। तो वो बहने देखो कितनी दूर दौड़ कर भाग कर गई, किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। आगे हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उनसे उसने पत्थर को लुट कर दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पानी के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। किसको ढूंढती हो? यीशु। किसको? यीशु को ढूंढती हो। किन्होंने यीशु को ढूंढा? दो बहनों ने। बाकी चेले कहाँ गए फिर? दो बहनों। चेले कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे हर टाइम यीशु के साथ रहते थे? वो कहाँ गए? बड़े आराम से सोए थे ना, जैसे आप लोगों को फ्राइडे के दिन अपने अपने घर पर सोए थे ना।
गुड फ्राइडे के दिन अपने अपने घर पर सो रहे थे ना, पत्ते के नीचे चीजें भी ऐसे सोए होंगे ना अपने, है ना, आराम से सोए होंगे, है ना। तो वो यीशु को ढूंढ लिया हुए हैं, देखते हुए दो बहन दौड़ती दौड़ती भागती भागती उन्होंने यीशु को ढूंढने की कोशिश करी। तो फिर यीशु मिला मिला नहीं मिला, हालेलुया, यीशु का लोगों को मैसेज मिला, स्वर्गदूत आया, यीशु मसीह ने भेजा कि उन बहनों को बताओ कि यीशु मसीह जहां पर नहीं है जीवित हो गया है, वो दूसरे शहर में आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कभी ढूंढते हैं यीशु को? वचन में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो कैसे पाओगे हम। उन्होंने यीशु को ढूंढने की कोशिश किया, ढूंढती गई। हालेलुया, आगे वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु वादा था। हालेलुया, उन्होंने क्या बोला, यीशु किसी जहाँ नहीं है, उसने वचन के द्वारा वो जी उठा है, आता देखो उसकी कब्र को देखो जहाँ पर यीशु को रखा हुआ था, आके चेक करो, देखो वो अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है, जीवित हो गया है। और शीघ्र जाकर उससे उसके चेहरे से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया, उसने दोनों बहनों को क्या बोला, जाके किसको बताओ, किसको, इसका मतलब दो बहनों ने चेलों को भी सुसमाचार सुनाया, क्या सुसमाचार सुनाया, यीशु जीवित हो गया है। आज हमने गानों में नहीं रखना कि यीशु जीवित हो गया है, संसार को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, दोस्तों को बताना है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है बताना है, जितने भी हमें जान पहचान वाले हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, राशन की दुकान पर जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वहां बताना है। क्या बताना है, कौन कौन आपके बाद बताएगा, बताएंगे, ठीक है, अगले संडे में पूछूंगा आप लोगों को। हाँ, गए संडे में आप लोगों ने कितने लोगों को बताया, मेरे को लिस्ट बना के देना है, जिसको बताया उसका नाम लेना, उसका मोबाइल नंबर लेना, है ना, वो कहाँ का है, तो मेरे को आके डिटेल देना, फिर मैं उसको फोन करके पूछूंगा, मेरी बहनों ने आपको बताया कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, तो फिर मेरे को पता चलेगा आप लोग साथे बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अभी आप लोग फंस गए हैं, किसके आगे आप खड़ा किया, किसके आगे, यीशु के आगे, क्या क्या बोलकर हाथ खड़ा किया है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, हमने लोगों को बताना है, बोला है ना आप लोगों ने कि नहीं बोला, बोला है। अपनी जुबान से बोला ना, दूसरे की जुबान से, अपनी जुबान से बोला ना, तो देखते हैं अभी कौन कौन बताता है, अगले संडे में इनको रिपोर्ट देना। हालेलुया, तो उन्होंने क्या बोला, जाके चेलों को बताओ कि आप जिसको ढूंढते हैं वो मुर्दों से जीवित हो गया है, यीशु मसीह जीवित हो गया है, आपको उस शहर में जाके मिलेगा। हाँ, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौट कर उसके चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ गए। हालेलुया, क्या सुसमाचार, किसको देने गई, चेलों को। आज कई बार बोलते हैं ना कि चेलों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, चेलों का नाम है, चेले यहाँ थे, बारह थे ना, लेकिन चेलों को भी सुसमाचार कौन बहनों ने दिया, जहाँ पर बहने है ना उनका काम क्या है, सुसमाचार बताना। आप लोग जाते हैं सुसमाचार बताने, नहीं बताते तो फिर बरकत कहाँ मिलेगी, इसका मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। हालेलुया, आज के बाद आप लोगों ने जाना है, हर रोज चाहे एक घंटा जाओ, चाहे आप लोग 10 मिनट जाओ, आप जू बाजू के चाहे लोगों के बने जाओ, ठीक है, जाना है, कौन कौन जाना चाहता है, जाएंगे ना, कौन कौन जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे पिछले ना, आप लोग फिर फंस गए किसकी जुबान से बोला,
किसकी जुबान से? अपनी जुबान से बोला। हाँ उसका भी अभी मेरे को रिपोर्ट चाहिए। आप लोग गए या नहीं गए? हालेलुया। तो वो बहनों ने जेलों को जाके सुसमाचार सुनाया। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, तुम्हारे पास आकर और उसके पास कर उसको किया। तो उनको कौन मिला? कौन मिला? किसको ढूंढने गई थी कब्र में? किसको? यीशु मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? यीशु से उनको मिला। जब यीशु से मिला तो उन्होंने यीशु को क्या किया? पैर पकड़ के क्या किया? धन्यवाद किया। तो पहले यीशु ने उन लोगों को क्या बोला? सलाम। बहनों को क्या बोला? सलाम। क्यों बोला बहनों को? क्योंकि यीशु को देखने की तड़प थी। वो यीशु को देखने के लिए कब्र पर चले गई। यीशु के लिए बहनों के अंदर प्रेम था, इतना प्रेम था वो उनको रात को नींदे नहीं आई, क्योंकि वो एक ही वचन को ढूंढती रही कि यीशु ने बोला था मैं मुर्दों से तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। उन दोनों बहनों की यूनिटी थी, उन दोनों बहनों की प्लानिंग थी। हम सुबह सुबह यीशु की कब्र पर जाएंगे। वो सुबह सुबह उठकर यीशु की कब्र पर गए, यीशु को ढूंढने के लिए गए। तो जब यीशु ने देखा इनके अंदर तो मेरे लिए बहुत सारा प्रेम है, ये तो सारी रात सो ही नहीं पाई, ये तो सारी रात मेरे ही बारे सोचती रही। तो जब यीशु को लगा इन लोगों को मेरे से प्रेम है, मेरे से प्रेम करती है। तो जब वो रास्ते में जेलों को सुसमाचार सुनाने जा रही थी दोनों बहने, तो रास्ते में उनको कौन मिल गया? कौन मिल गया? यीशु। ऊंची बात में बोलिए कौन मिल गया? यीशु। यीशु मिल गया। तो जब यीशु बहनों को मिला तो यीशु ने बहनों को क्या बोला? सलाम। क्या बोला? सलाम। तो जब यीशु ने बहनों को सलाम बोला तो ये बहनों ने क्या किया? यीशु के पैर पकड़ लिए। यीशु के पैर पकड़ कर क्या किया? धन्यवाद किया, मत्था टेका, प्रणाम किया। हालेलुया। आप यीशु के पैर पकड़ना चाहते हैं? अगर आप लोगों ने यीशु के पैर पकड़े हैं ना, तो दुनिया में आप लोगों को किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किसी ने आप लोगों को एक बार सलाम बोल दिया ना, तो दुनिया की टेंशन लेना छोड़ दो। यीशु मसीह उसको ही प्रेम करता है, उसको ही सलाम करता है जिसको वो प्रेम करता है। अगर यीशु आप लोगों को प्रेम करता है तो यीशु मसीह आपके घर में आएगा, आपके दिल में आएगा, आपकी सोचों में आएगा, आपसे आकर बात करेगा। लेकिन यीशु से पहले आप लोगों को तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर तड़प होना चाहिए यीशु को देखने का, इतना आपके अंदर प्यास होना चाहिए कि यीशु को देखना है। हालेलुया। तो जब इतनी तड़प आएगी, इतना प्रेम होगा, तो यीशु खुद आपको मिलने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। तो जब यीशु ने लोगों को बोला कि सलाम हो, तो उन्होंने यीशु के पैर पकड़ लिए और उससे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। तो उन्होंने क्या बोला? मत डरो और अपने उनको बोलो, भाइयों को बोलो मैं गलील में जा रहा हूँ, वहां ही मैं आप लोगों को मिलूंगा। हालेलुया। तो जब यीशु को ढूंढते गई, तो जब ढूंढ रहे थे तो लोगों को क्या हो गया? यीशु मिल गया। आज आप लोग यीशु को ढूंढेंगे तो यीशु मिल जाएगा, यीशु की तलाश करेंगे तो यीशु आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, वे जा ही रही थी कि कोहरों में से कुछ ने नगर के आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा सुनाया। तब उन्होंने कुलियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत सारी जेकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। हालेलुया। तो जब उन लोगों को पता चल गया ना यीशु मसीह जीवित, सिपाहियों ने क्या किया?
चांदी लिया, पैसा लिया, पैसा लेकर जो जितने भी उस गांव के लोग थे ना, सबको चांदी बांट दिया, पैसा बांट दिया। उन लोगों को एक ही बात बोलना, बे हम तो सो रहे थे, यीशु के चेले आए और यीशु की लाश को क्या करके ले गए, चुरा के ले गए। हालेलुया। तो उन्होंने झूठ बोलने के लिए क्या दिया, चांदी दिया, पैसा दिया। हालेलुया। किस क्या बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए। अगर आप लोगों को कोई पैसा देता है, चांदी देता है, कभी भी झूठ मत बोलो। जो बंदा झूठ बोलता है ना वो फंस जाता है। हालेलुया। पैसे के लिए कभी झूठ मत बोलना, सोने चांदी के लिए कभी भी झूठ मत बोलना, अपनी जरूरतों के लिए कभी भी झूठ मत बोलना, भूखे रह लो प्यासे रह लो झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने का हाल पता क्या होता है, नहीं पर जानना चाहते क्या हाल होता है, आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने पैसे ले लिए, चांदी ले लिया, झूठ बोला, उन लोगों का हाल क्या होता है, पढ़े। और ये भी बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जो भी उसे बचा लेंगे। और उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये बात आज तक क्या है, प्रचलित क्या होती है, प्रचार हो गया। किस बात का, इन्होंने पैसे लिए हैं, इन्होंने चांदी लिया है क्या करने के लिए, झूठ बोलने का। वो आज तक वो बात फैल गई। जो आप लोग भी झूठ लेकर, झूठ बोलेंगे, पैसा लेकर, चांदी लेकर, एक ना एक दिन क्या होता है, झूठ कब तक छुपा रहेगा, थोड़ा देर ना, झूठ एक ना एक दिन साबित हो जाता है। उन लोगों ने क्या लिया, पैसा लिया, चांदी लिया, ना क्या लेकर झूठ बोला, लेकिन वो एक दिन बात सबके सामने प्रकट हो गई। वो सामने आ गई, क्या आ गई, इन्होंने पैसे लेकर झूठ बोला, पैसे लेकर झूठी गवाही दिया, पैसे लेकर इन्होंने जो गलत काम किया, पैसे लेकर जिन्होंने पाप किया, वो बात उजागर हो गई। वो आज तक क्या है, प्रचलित है, आज तक उजागर है। मीन्स क्या है, वो इतना ही बदनाम हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने यीशु के खिलाफ झूठ बोला था। ठीक है। हालेलुया। जो यीशु के खिलाफ झूठ बोलता है, जो यीशु को धोखा देता है, उसका प्रचार कहां कहां ना होएगा, सोच लो आपको ध्यान से, कहां कहां तक वो प्रचार होएगा, नर्क में भी प्रचार होएगा, स्वर्ग में भी प्रचार होएगा, संसार में भी प्रचार होएगा। तो वो ही एक ही बात आप लोगों को टिकने नहीं देगी, क्या, मेरे पैसे लेकर झूठ बोला, उन्होंने पैसे लेकर झूठ बोला, क्या झूठ बोला था, कि यीशु के चेले आए और उसकी कब्र को, कब्र में आए और उसकी लाश को चुराकर ले गए। एक ही बात का झूठ बोला, क्या, कैसे बोला, पैसे लेकर, सोना चांदी लेकर झूठ बोला। तो लेकर वो बात साबित हो गई, यीशु मसीह की कब्र को कोई चुराकर नहीं लेकर गया, यीशु मसीह तो मुर्दों से जीवित हुआ है। तो जब एक को पता, दो बहनों को पता लगा, दो बहनों से 12 चेलों को पता लगा, धीरे धीरे पूरी संसार को पता लगा, वो बाद में इतना पता चल गया, तो जिन्होंने पैसे लेकर झूठ बोला था वो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल सके। इतनी उन लोगों की बेइज्जती हो गई, इतनी इंसल्ट हो गई, वो अंदर अंदर से ही मर गए, अंदर अंदर से घुट घुट के मारने लगे। अगर आप लोगों ने किसी से पैसा लेकर कोई झूठ बोला है, बहन इस भाई ने पैसे लेकर झूठ बोला है, पता चल गया, तो फिर आप लोगों को अंदर से कैसा फीलिंग आएगा, कभी किया आप लोगों ने ऐसा, किया, करना भी मत, क्या कभी किया हो, मैंने पैसे लेकर झूठ बोल दिया हो, जब पता चलेगा तो अंदर से कैसा फीलिंग आएगा ना, बंदा जीता जीता ही मर जाता है। हालेलुया। तो वो टाइम जीते ही जी मर गए, क्योंकि उन लोगों की बात इतनी उजागर हो गई, ये वो पूरे गांव में नहीं फैली, पूरी दुनिया में फैल गई। उनके घर वालों के, घर वाले भी उनके बारे क्या बोलते होंगे, जिन्होंने पैसे लेके झूठ बोला। उनके रिश्तेदार भी उनको क्या बोलते होंगे, उनके गांव वाले को क्या बोलते होंगे, आजू बाजू के गांव वाले क्या क्या बोलते होंगे। वो बात इतनी ही उजागर हो गई। हाँ, चले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने
उन्हें बताया था। हाँ। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। हालेलुया। तो जब वो गलील में यीशु गया तो वहाँ उनके 12 चेले थे, उन्होंने उसका क्या पाया? दर्शन पाया। दर्शन किसको? देखा। तो यहाँ पे यीशु को देखा उन्होंने, कई लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि उसमें कई सारे लोग नहीं थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर विश्वास नहीं किया। हाँ, आगे यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु ने उन लोगों के पास आकर क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? यीशु के पास है। स्वर्ग का भी अधिकार है, धरती का भी अधिकार है। वो अधिकार यीशु ने किसको दिया? किसको दिया? हमें दिया। सबको लिए, हमें दिया। तो आप लोगों ने वो अधिकार को इस्तेमाल किया कभी? नहीं किया। तो पहला क्या होगा प्रभु में आने का? पकड़ते इसको। अधिकार मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? किसको मिलता है? जो तौबा करता है, जो बपतिस्मा लेता है, उसको ये क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। कहाँ का? स्वर्ग का भी और धरती का भी। आप लोग तो धरती के ही, धरती का भी पूरा अधिकार नहीं इस्तेमाल किया होगा। धरती में अधिकार क्या क्या है? गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, यही है ना धरती में। ये सब कुछ यही रह जाएगा। धरती के ऊपर अधिकार जमाते रहे तो स्वर्ग का अधिकार नहीं चाहिए। स्वर्ग से क्या क्या मिलेगा वो नहीं चाहिए हमें। हम धरती के अधिकार के पीछे दौड़ते सुबह से लेकर शाम तक। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जो स्वर्ग का अधिकार है वो कब फिर चाहिए हमें? मरने के बाद। मरने के बाद आप लोग को वो अधिकार काम करेगा, मिलेगा? अभी चाहिए हमें, हमें जीते जीते चाहिए कि मरने के बाद चाहिए? जीते जीते चाहिए ना। तो फिर हम दुनिया का अधिकार क्या करना है? हम स्वर्ग का अधिकार हम ढूंढेंगे। हालेलुया। आगे इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। कब तक यीशु साथ है? जगत का अंत कब होएगा? जब तक जगत का अंत नहीं होता है ना, जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ में है। और उसने क्या क्या दिया? सुसमाचार सुनाने का, प्रचार करने का। जाओ, उसने क्या बोला? अन्य जाति के लोगों के पास जाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलाओ और जिन्हें मेरे वचन सिखाओ, मेरी आज्ञा सिखाओ, तहां मैं आपके जगत के अंत तक आपके साथ में रहूंगा। अभी पता नहीं है आप लोगों उसकी शिक्षा को लोगों को सुनाते हैं या नहीं सुनाते। अगर उसका वचन लोगों को सुनाते हैं तो यीशु आपके साथ रहेगा। अगर प्रभु के वचन को लोगों को नहीं सुनाते तो यीशु साथ में रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया। तो ये प्रभु का वचन है, उसने ये कब बोला? जब वो मुर्दों से तीसरे दिन जीवित हो गया है, वो आज हमारे से बात कर रहा है। मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा, प्रभु का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। क्योंकि आप लोग क्या है? जीवित है जो मरे हुए हैं? जीवित है आप लोग, सुना है ना। आज के बाद हमने क्या करना है? क्या करना है? सुसमाचार करना है। कहाँ करना है? अन्य जाति। कौन कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? फिर बस गया ना। हम लोग अपनी जीवन से बोला जो मेरी से, हाँ तो पूरा भी करना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु जीवित है, वो जीवित हो चुका है आपके लिए, मेरे लिए वो जीवित हुआ है। जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उसका उद्धार होगा, वो बचाया जाएगा। अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो यीशु के ऊपर विश्वास करें।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम अपनी जगह पर खड़े होते हैं, अपनी आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरा सुसमाचार